वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की मौत के 6 महीने से भी कम समय में एक मोड़ आ गया है। एक सरकारी वकील के ऑफिस ने उनकी मेडिकल और नर्सिंग टीम के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, कानूनी दस्तावेजों यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस के थ्रू ज्यूडिशियली सोर्सेस और TN टेलीविजन स्टेशन का हवाला देते हुए ला नेशियन की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के एक्स फुटबॉलर के पर्सनल डॉक्टर लियोपोल्डो ल्यूक, साइकाइट्रिस्ट अगस्टिना कोसाचोव और कई नर्सों के खिलाफ हत्या का आरोप लगा है और दोषी ठहराए जाने पर इन सबको 8 से 25 साल के कारावास यानी जेल का सामना करना पड़ सकता है। DPA की रिपोर्ट के अनुसार डिफेंडेंट्स को देश छोड़ने की परमिशन भी नहीं है और उन्हें मई के एंड में अपना बयान भी देना होगा। मैराडोना का पिछले साल नवंबर में 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और वह उस समय ब्रेन सर्जरी से उभर रहे थे। एक्सपर्ट्स के एक आयोग ने यानी कमीशन ने हाल ही में उनके डॉक्टरों और नर्सों पर गंभीर आरोप लगाए थे। TN ने प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से 29 पेज के एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा कि डॉक्टरों ने रोगी के खराब स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होने के बावजूद मेडिकल प्रैक्टिस के अपोजिट उनको दवाइयां दी गईं और उनका इलाज किया गया और इन सब ने डिएगो मैराडोना को एक अनकंफर्टेबल स्थिति में डाल दिया था। तो साथियों, आप देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई करती है पुलिस और किस तरीके से मुजरिमों को पकड़ती है, वो ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sportsarena.info। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड।